हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। यार आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के बारे में। इसमें वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या जामिया में कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं, कब लास्ट डेट है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या प्रोसीजर है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि मैं इसमें वीडियो बनाने का नहीं सोच रहा था, लेकिन कई लोगों का, कई सब्सक्राइबर का कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहा है, इंस्टाग्राम पे पूछा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूं आपको एक बार कंप्लीट नॉलेज दे दूं कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस होगा तो क्या पूछा जाएगा, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, फीस क्या, सारी जानकारी मिलने वाली है आपको। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो यार चीजों को देखते हैं, डेट को देखते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। उसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कब आपको एडमिशन होगा, आपकी फीस क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे, कौन कौन से कोर्स हैं, और फिर एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, किस कोर्स में एंट्रेंस होगा, किस कोर्स में विदाउट एंट्रेंस होगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूं कि ज्यादातर कोर्स में, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में, एक दो के अलावा आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले यार अगर कॉमन चीजें जो देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। ये आपको कहाँ मिलेगा, वेबसाइट में मिलेगा, www.jmi.coe.in या www.jmi.ac.in। ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उसके बाद कमेंट में भी दे दूंगा, सबसे टॉप का जो कमेंट होगा वहां पे आप देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, ये दोनों लिंक दे दूंगा मैं, इस कहां पे अप्लाई करना जाके उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, और मैं आपको ये भी लिंक दे दूंगा कि आपको वो कहां से मिलेगा, ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, जहां पे आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वगैरह अपनी फीस अपने आप खुद से दोबारा से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको जल्दी में कुछ सॉल्व करना है, मुझे डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहले अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो देखेंगे ना, ये आपको 26 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स है, मतलब 26 अक्टूबर से फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, शुरू अप्लाई करने का डेट आपको आ गया है। अब बात आती है लास्ट डेट कब है भाई, चूंकि स्टार्ट जब हुआ है तो कभी एंड भी तो होगा, तो ये आपको 20 नवंबर यानी 20 नवंबर को लास्ट डेट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन ऑल द रेस्पेक्ट ऑफ नॉन टेस्ट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में टेस्ट नहीं है, मतलब जिसमें एंट्रेंस नहीं है, मतलब जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन है, उसमें आपको सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपको 10th ऑफ दिसंबर को कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आप दोबारा सुन लें, अप्लाई शुरू हुआ है 26 अक्टूबर को, अप्लाई आपको लास्ट डेट है ये आपको 20 नवंबर को, 20 नवंबर को है। उसके बाद जिस कोर्स में एंट्रेंस नहीं है, जिस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन है, वो आपको 10 दिसंबर तक एडमिशन ले लेने हैं। होप सब कुछ यार क्लियर है यहां तक। अब बात आती है भाई किस किस कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट है और कब है। सबसे पहली बात हम लोग अगर बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएड, मतलब बीएड में एंट्रेंस टेस्ट कब है, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को है 2020, 10 बजे से लेकर के 12 बजे नून तक है ये आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा बीएड का। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आगे चलते हैं फिर बात करते हैं। इसके बाद दूसरा कोर्स है जिसको आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसको आपको टेस्ट देना होता है एडमिशन लेने के लिए, आपका एमबीए है, इसका 1 दिसंबर को है, यानी कि इसके बीएड के बाद 1 दिसंबर को है, ये भी आपका 10 से 12 बजे तक है, सुबह के मॉर्निंग के 10 से 12 बजे तक है एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद यार हम लोग बात करें डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट फॉर बीएड एंड एमबीए, यानी सिलेक्शन लिस्ट और फिर वेटिंग लिस्ट, पहली जो आएगी ये आपको बीएड और एमबीए का 10 दिसंबर को ये आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब बीएड और एमबीए के लिए जिन लोगों का नाम आएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, कब, 10 दिसंबर की लिस्ट में जिन लोगों को पता चलेगा उनको एडमिशन लेना है यार, बीएड वाले को एडमिशन लेना है 20 नवंबर को, और फिर एमबीए वाले को एडमिशन लेना है आपको 21 नवंबर को, इसको आपको एडमिशन डेट कंप्लीट कर देना है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे या आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो मैं बता दूंगा, बाकी एलिजिबिलिटी और सारी चीजें यहां हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अब यार बात आती है कि जिनका अगर वेटिंग लिस्ट है, जिनका कम मार्क्स रह गया एंट्रेंस में, तो उनका वेटिंग लिस्ट वगैरह कब आएगा, तो वो भी यहां देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, ये आपको यार 23 दिसंबर को आ जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट वन, यानी कि जो आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें से जिन लोगों का भी नाम आएगा, जिन लोगों का भी एडमिशन होना है, वो आपको 23 दिसंबर को लिस्ट आएगी, और आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होगा 24 दिसंबर को। तो जिनका भी अगर पहली वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो वो लोग बिल्कुल यार कॉन्शियस है, बिल्कुल ध्यान देते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको बिल्कुल लिस्ट आते ही आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आपको एक दिन बाद एडमिशन लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन छूट जाए।
उसके बाद यार देखते हैं डिस्प्ले ऑफ वेटिंग लिस्ट सेकंड इफ रिक्वायर्ड फॉर बीएड एंड एमबीए। अगर आपको रिक्वायर्ड होगी यानी सीट अगर वैकेंट होगा तो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी 26 तारीख को ऑफ लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन। फिर सेकंड लिस्ट जो आएगी 26 को उन लोगों का मतलब सेकंड लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी उन लोगों का एडमिशन फिर 28 को है, मतलब बीच में एक दिन दिया गया है। तो दोस्तों आपको बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चीजें छूट जाए आपको पता ही ना चले। उसके बाद यार एकेडमिक सेशन की बात करें ना, एकेडमिक सेशन कब से शुरू होता है, मतलब आपका एयर कब से काउंट होगा। जैसा कि आप रेगुलर में जाते हैं तो जनरली आपका 1 अगस्त से होता था, इस बार तो ऑलरेडी लेट है, तो यहां भी एकेडमिक सेशन शुरू कब से होगा ये चीज हम लोग जान लेते हैं एक बार। यार आपको एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा ना, काउंसलिंग सेशन फॉर पार्ट 2 एंड 3, पार्ट 2 एंड 3 का जो काउंसलिंग सेशन होगा ये आपको 10th नवंबर 2020 से ऑनवर्ड होगा। और यार फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट एयर का जो काउंसलिंग होगा ना ये आपको 7 दिसंबर से होगा। कुछ कोर्स एनुअल होते हैं, कुछ कोर्स सेमेस्टर वाइज होते हैं, इसलिए उसके हिसाब से कहा गया 7 दिसंबर ऑनवर्ड है। उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन होगा जिसका मतलब साल में एक बार एग्जाम होता है, और फिर अगेन कुछ कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज होता है। एनुअल एग्जामिनेशन यार ये आपका मई से जून में होगा, और अगर सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर का मतलब साल में दो बार एग्जाम होते हैं, तो एक बार हो जाएगा आपको मई जून के बीच में, एक बार हो जाएगा दिसंबर जनवरी के बीच में। ये सारी बातें थी यार, आगे और कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट जो चीजें आप लोग हम लोग देख लेते हैं, आपको जानना जरूरी है। द कैंडिडेट शुड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन ऑल रेस्पेक्ट टिल 28 दिसंबर, मतलब कि 28 दिसंबर तक कैंडिडेट को अपना एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर लेने हैं। जैसा कि आपको मैंने भी बताया, सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसका लास्ट डेट 28 तक था, तो उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, उसके बाद एडमिशन आपका हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स आर हियरबाय एडवाइज्ड टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन केयरफुली टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कोई खास बात नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपना मनी, अपना टाइम खर्च करने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपके कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया और आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। यार एक और पॉइंट देखते हैं, नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इट्स सबमिशन। यार ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आपका डेट निकल गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यार कुछ चीजें देखते हैं यार, जो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है इसमें, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे समझोगे आप इस पीडीएफ में, ये मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, ये मैंने पीडीएफ आपको खोल के रखा था आपके सामने। यार इस पीडीएफ का लिंक मैंने जैसा कि बताया नीचे दे दूंगा, तो इस पीडीएफ में जब आप यार स्लाइड करोगे ना, आप नीचे जब आओगे यहां पे, यार यहाँ पे चीजें आपको समझने लायक है, इस चीजों को समझना आपको इनको बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप कमेंट करते रह जाओगे कितनी फीस देनी है मुझे, क्या चीजें, इसलिए यार ये एक बार मैं आपको समझा दूं। यार यहाँ पे प्रोग्राम्स का नाम दिया हुआ, जो भी प्रोग्राम है आपके, ये आपका हो सकता है बीएड का, एमबीए का, बीए का, जो भी सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ नाम दिया हुआ। जैसा कि यार हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं उससे समझते हैं, बाकी चीजें आप अपने खुद से पीडीएफ से डाउनलोड करके देख लेना। एक प्रोग्राम है आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, इसका कोड है बीएजी, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल। इसका यार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है इसका ये देखता है, 10+2 आपके होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपके पास 10+2 होना चाहिए यार। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन क्या है यार, ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर है, एनुअल मोड है यार ये कोर्स, अभी हमने जैसा कि बोला ये एनुअल मोड कोर्स है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, ये सेमेस्टर वाइज नहीं है, आपके साल में एक बार फाइनल पेपर होंगे। ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है। मोड ऑफ एडमिशन की हम लोग बात करें, ऑनलाइन एडमिशन है यानी कि बिना कोई एंट्रेंस के एडमिशन आपको। रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फी आपको अगर बात करें, ये 700 रुपए जब अप्लाई करोगे आपको 700 रुपए पे करने हैं यार। और प्रोग्राम फी जो है ना पर ईयर का, एक साल आपका आपको फी 7200 रुपए है, ओके। और टोटल फी जो आपका हो गया ना, ये सब कुछ मिला करके यार टोटल फी कितना हो गया, 7900, मतलब 7200 आपके प्रोग्राम के फीस हैं और 2700 रुपए आपको अप्लाई करने के हैं। तो यार इसी तरह से सारे चार्जेस हैं, और यार सारे कोर्सेज का इसी तरह से आप देख सकते हैं। और एक कोर्स का यार मैं एग्जांपल ले लूं, चूंकि यार यहां पे एंट्रेंस बेस्ड है तो इसका जानना आपको थोड़ा जरूरी है, सारे कोर्सेज को मैं नहीं बताने वाला हूं आपको। जैसा कि यार ऑनलाइन डायरेक्ट एडमिशन के लिए ये भी कोर्सेज हैं, कॉमर्स वाले हैं और ये वाले भी इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन यार इस कोर्स को एक बार जानते हैं यार, बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड के बहुत कैंडिडेट और बहुत पूछते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी कोर्स फी क्या है, ये सारी चीजें यार एक बार हम लोग जानते हैं। यार बीएड का देखते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड इसका कोड है। उसके बाद यहां देखते हैं यार इस वाले चीज को पढ़ने की जरूरत है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स
ह्यूमैनिटीज। किसी भी आपने बैचलर या मास्टर डिग्री में आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन की बात करें 2 to 5 years, एनुअल मोड है, एनुअल कोर्स है, ये भी सेमेस्टर वाइज नहीं। अब आपको अगर सर 2 to 5 years क्यों लिखा, 2 year तो समझ में आते हैं, 5 year क्या है? ये इसलिए है कि आपको मिनिमम 2 year है, 2 year में आपको कंप्लीट करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको 5 साल तक आप कंप्लीट कर सकते हो। सपोज करो आप 1 साल पेपर दे दिए, उसके बाद पेपर आप नहीं दे रहे हो, किसी कारणवश किसी वजह से आप पेपर नहीं दे पा रहे, 5 साल के अंदर अपना कंप्लीट कर सकते हो। यार मोड ऑफ अगर एडमिशन की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट के बिना नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी होती है इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1500 देना होगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा। और यार ये आपको कोर्स का जो आपका फीस है ना, ये आपका एनुअल जो फीस है ये आपको 20,000 है। तो यार इसी तरह से सब चीज आप एक बार देख लेना, मैंने एक बार एग्जांपल के लिए यार सब कुछ समझा दिया। इसी तरह से आपको एमबीए मिल जाएगा, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, एमकॉम है, एमए इंग्लिश है, कई कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज, जैसा कि मैं स्लाइड कर रहा हूं आप देख पा रहे हैं। होप यार सब कुछ क्लियर है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां मुझे पूछ लेना चीजें, जो भी कंफ्यूजन है मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यार थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए रेगुलर मोड पे, डिस्टेंस पे, कोई भी कुछ ऐसे कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना यार। सो दैट इज फॉर टूडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।